हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन बी फाइन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्रीमियर प्रो पर ही के। आज हम लोग जो वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम लोग नॉइस वॉइस होती है, जैसे हम लोग जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो पंखे की आवाज़ होती है या कोई भी मॉइस्चराइज वॉइस होती है, साउंड होता है, तो उसको हम लोग अपनी वीडियो से किस तरह से रिमूव करेंगे रिकॉर्डिंग के बाद भी, तो आज देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अभी चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रीमियर प्रो पे जाएंगे। ये मेरे ओपन हुआ हुआ प्रोजेक्ट, यहाँ पर जो वीडियो है, फॉर एग्जांपल में जो लास्ट रिकॉर्डिंग थी ये वाली, इस पे नॉइस है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं इसको प्ले करता हूँ, कीप एडजस्टिंग, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्केल टू फ्रेम साइज किस तरह से करेंगे, ठीक है। और अब जब मैं प्ले करता हूँ ये वीडियो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि बैक साइड पे नॉइस, पंखे की आवाज़ वगैरह आ रही है, तो इसको हम लोग किस तरह से रिमूव करेंगे, ठीक है। जस्ट आसान तरीका है, जब जो हमारा प्रीमियर प्रोजेक्ट वाला टैब है यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन, इस पर जैसे ही हम लोग आएंगे तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दे रहा हमारे को, सर्च ऑप्शन पे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पर एडाप्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर एक इफेक्ट आ रहा होगा, एडाप्टिव नॉइस रिडक्शन। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियर प्रो 2018 CC की, सही है। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ड्रैग करूँगा और ड्रॉप कर दूँगा अपने वॉइस वाले ट्रैक पर, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो यहाँ पर हमारा जो कंट्रोल इफेक्ट कंट्रोल्स है उसमें हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास ये इफेक्ट कंट्रोल नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है, डबल क्लिक कर दें साउंड ट्रैक पर आप, तो ये आ जाएगा यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन होगा, सही है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन एडाप्टिव नॉइस रिडक्शन। आप इसको एडिट पे जाएंगे, स्पेस बार प्रेस करके अपनी वीडियो ऑन कर दें और अपनी वीडियो को जितना भी नॉइस है आपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आपने सिर्फ इन दोनों को ही चेंज करना है, रिड्यूस नॉइस बाय और नॉइसनेस, इन दोनों को चेंज करना है, बाकियों को आपने चेंज नहीं करना। अगर आपको चेंज करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग सिर्फ रिड्यूस नॉइस बाय और नॉइसनेस को ही चेंज करें, आपकी आवाज़ के क्वालिटी और बैक नॉइस होगा सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे आप सेटिंग करोगे और यहाँ से क्लोज कर देना आपने, बस इतना ही काम है। अब आप प्ले करके देखें, वही पिछला हमारा जो प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने, तो अब कोई नॉइस बैकएंड पे नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर न्यू है आप मेरे चैनल पर, और कमेंट में लाजमी मुझे बताएं कि आप लोग कैसी है मेरी वीडियो लगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और मज़ीद वीडियो बनाता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।